हुजूर की कुर्बत का जरिया भी दरूद है। कौन सा मोमिन होगा जिसको हुजूर के दीदार का शौक नहीं है। कसरत दरूद की बरकत यह है कि हुजूर का दीदार नसीब होता है। हुजूर का दीदार नसीब हो जाए तो बताओ और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। फरमाया जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नजूल फरमाता। और एक हदीस में आया जो एक मर्तबा मेरे ऊपर दरूद भेजता है अल्लाह उसके 10 गुना माफ़ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 रहमतों का नजूल फरमाता है। तो दरूद पढ़ा हुजूर पे काम अपना बन रहा है। तो दरूद पढ़ने से इंसान का बातिन संवरता है, अंदर पाकीज़गी नसीब होती है, गुना धुलते हैं, ऐब धुलते हैं, परेशानियां ख़त्म होती हैं, मुसीबतें, आलाम, मसाइब, दुख, टेंशन, परेशानी जो कुछ भी है ये ख़त्म होता है और दरूद पर सुकून बना देता है इंसान को। राहत बख्श है वजीफ़ा, सुरूर अंगेज़ है ये वजीफ़ा, नूर बेज़ है ये वजीफ़ा, माहौल में शगुफ्तगी पैदा कर देता है। अगर दुरूशी पढ़ोगे तो तुम्हारी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारे दुखों का मदावा होगा, तुम रिलैक्स हो जाओगे दरूद पढ़ने। ये दरूद शरीफ की बरकत है। एक मर्तबा दरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं और जो बार बार हुजूर पे दरूद पढ़ता है तो बताओ कि कितना बड़ा ज़खीरा रहमतों का उसके अतराफ़ में फैल गया। तो इसलिए कसरत के साथ दरूद पढ़ना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है मेरे ऊपर लाजम है कि मैं उसकी शफात करूँगा। शिफात रसूल के हुसूल का ज़रिया दरूद बनता है, चूँकि हमारा आसरा ही हुजूर की शफात है। वो दामन शफात खोलेंगे तो हम गुनाहगारों का काम बनेगा। और वो नसीब कैसे होगी हुजूर अलैहिस्सलाम की शफात? कसरत दरूद से। ये भी इरशाद फरमाया आका करीम ने, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाला। अल्लाह का फरिश्तों की मजलिस में हुजूर की सना करना ये दरूद है। हुजूर की मदा फरमाना, महबूब की शानों को बयान फरमाना। ये सही बुखारी में सलात का तर्जुमा हज़रत अबू आलिया रदी अल्लाह ताला अन्हो से किया गया। तो फिर दरूद का मफहूम बहुत वसी है। हुजूर की मदह तौसीफ़, हुजूर के हुस्न का बयान, हुजूर के खसाइल का उनवान, आका करीम के शमाइल का तज़करा, हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल की बातें, हुजूर की अज़मतों का उनवान, ये सब कुछ दरूद के ज़ुमरे में आता है। और फिर साथ सीगा भी दरूद का हो और उसमें शानें भी हुजूर की हों, जिस तरह दरूद ताज में है, तो उसमें हुजूर पर दरूद भी भेजा गया और साथ हुजूर की अज़मतों को भी बयान किया गया। तो ये एक ख़ूबसूरत गुलदस्ता बन गया। दरूद शरीफ के जो मफाहीम बयान किए गए हैं उन सब मफाहीम को ये अपने जिलों में लिए हुए है ये दरूद। तो कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने की तलकीन फरमाई गई। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि आका करीम ने तरगीब दी दुरूशी पढ़ने की, बाकी उमूर और इबादत, ज़िक्र फ़िक्र, तो मैंने अर्ज़ की, इरशाद फरमाए कि मैं आप पर किस मकदार में दरूद पढ़ूँ, कितना वक्त कितना दरूद पढ़ूँ। तो आका करीम ने फरमाया माशेता जितना तुम चाहो। फरमाते हैं मैंने कहा मैं चौथा हिस्सा दरूद पढ़ूँगा, बाकी तीन हिस्से दीगर इबादत और दीगर वज़ाइफ़ अज़कार बजा लाऊँगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, जो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर दरूद की मकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैंने कहा अनिसफ़ा, मैं आधा वक्त दरूद पढ़ा करूँगा और बाकी चीज़ें बाकी आधे वक्त में करूँगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, लेकिन अगर दरूद की मकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा कि हुजूर मैं दो हिस्से दरूद पढ़ूँगा और एक हिस्सा बाकी वज़ाइफ़ औरात बजा लाऊँगा। फरमाया जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अगर तुम दरूद की मकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पढ़ूंगा ही दरूद, सारा वक्त मैं आप पे दरूद ही पढ़ता रहूंगा। फरमाया फिर तुम्हारे सारे दुख, तकलीफ, अज़ियतें, परेशानियां, उसके लिए ये दरूद किफ़ायत करेगा और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी जाएगी।
तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारी अजियतें, तुम्हारे दुख, दौरे मौजूद में लफ्ज़ बोला जाता है टेंशन, तुम्हारी सारी टेंशन, तुम्हारे सारे मामलात हयात की बेतरतीबियाँ, परेशानियाँ, दुख, अजियतें, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दरूद सब दर्दों का मदावा हो जाएगा, सब दुखों का इलाज हो जाएगा, सब परेशानियों का हल होगा, सब मुसीबतों का मदावा बन जाएगा और साथ साथ तुम्हारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। तो दरूद जितनी कसरत के साथ पढ़ा जाए अल्लाह की उतनी ही रहमतें नाजिल होती हैं। जब हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, तो इसका मफहूम क्या है, इसका माना क्या बनता है? तो फरमाते हैं फमा ना हो, इसका माना यह है अज़िम हो फिद दुनिया, ए अल्लाह दुनिया के अंदर महबूब की अजमत को और बुलंद कर दे। कैसे बुलंद कर दे? बे इलाए जिक्र ही, के महबूब के जिक्र को अलुफ और मर्तबत और शान शौकत अता कर दे। वा इजहार दावत ही, और हुजूर की दावत को फैला दे और पूरी दुनिया पे गालिब कर दे। वा इबकाए शरीयत ही, और हुजूर की शरीयत को दवाम बख्श दे। वफिल आखिरत बे तशफी ही फी उम्मत ही, और आखिरत के अंदर उसका वही मफहूम जो अल्लामा आलूसी बगदादी ने किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जो हक के शफात दिया जाएगा इसके लिए अल्लाह से दुआ मांगना। और हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे लिए वसीले की दुआ मांगो। ये जो हम अजान के बाद दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारे आका व मौला को मकाम वसीला अता फरमा, और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांगना है, और हुजूर मकाम महमूद पे जलवा फरोज होंगे और वहाँ हुजूर को ख़ास कलेमात दिए जाएंगे जो इससे कबल ना किसी ने बोले हैं ना उसके बाद कोई इस्तेमाल करेगा। वो हुजूर को इल्का किए जाएंगे और उन खास लफ्ज़ों से हुजूर अल्लाह की तारीफ़ फरमाएंगे, अल्लाह की हमद बोलेंगे, और उस हमद के सिले में अल्लाह ताला महबूब से फरमाएगा महबूब मांगता है जो मैं तुझे अता करता हूँ। तो हुजूर क्या मांगेंगे? खुद फरमाया कि हर नबी को अल्लाह ने दुआ का कोटा दिया है, उसने वो दुआ दुनिया पर ही मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ को आखिरत के लिए बचा के रखा है। और वो क्या है कि मैं गुनाहगारों की शफात के लिए अल्लाह के हुजूर अर्ज करूंगा। यहां इमाम अहले मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजल बरेलवी का अंदाज देखिए, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जब दामने शफात खोलेंगे तो बड़े बड़े गुनागार उस शफात की पनाह में आ जाएंगे, बल्कि शफात का जब दामन खुलेगा तो नेकोकार भी गुनागारों की सफ़ों में शामिल होने की कोशिश करेंगे कि हम हुजूर की शफात के हकदार बन जाएं। वो किसी ने किसी मौके पे अपने ज़ौक में और अपनी लय में पढ़ा कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हों। तो लोगों ने दाद दी, मैं भी उस मजमे में बैठा था, बहुत पुरानी बात है, तो मैंने उस ज़माने में उसको टोक दिया, रोक दिया। मैंने कहा ना यूँ ना कहो, हुजूर हमारे वकील हैं, लेकिन वकील निगेबान के माना में, लेकिन तुम बात मुकदमे की कर रहे हो, मुकदमे वाले वकील एडवोकेट के माना में नहीं है। चूंकि जो वकील होता है वो जज को कहता है साहेब मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ दें, अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर सजा पक्की होती है। तो जो वकील होता है वो ये साबित करता है कि मेरे मुवक्किल ने जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए। हुजूर हमारे वकील नहीं है, हमारे शफी हैं। वकील कहता है जुर्म नहीं किया छोड़ दे, और शफी कहता है सब कुछ किया है मेरा आना देख ले। हुजूर वकालत नहीं फरमाएंगे, हुजूर शफात फरमाएंगे, और हुजूर की शफात से बड़े बड़े गुनाहगारों को निजात मिलेगी। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर फरमाते हैं कि मैं उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम को हक दिया जाएगा आखिरत के मैदान में, और आका करीम अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखेंगे। बुखारी शरीफ में हदीस शफात उठाएं, एक बार नहीं चार बार सर रखेंगे, और हर बार रब कहेगा कि मालिक सर अनवर तो उठाओ, जो कहो वो मान लेंगे, जिसकी सिफारिश करोगे वो कबूल कर लेंगे, और फिर हुजूर सिफारिश करते चले जाएंगे और उम्मत को बख्शवाते चले जाएंगे।
فرمائے اوتی تو شفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی، اور ہر نبی کو ایک دعوی مستجابہ قبول ہونے والی دعا زندگی میں عطا کی گئی، دعا کا خصوصی کوٹا دیا گیا، ہر نبی نے وہ دعا کا حق دنیا پہ استعمال کر لیا، لیکن فرمایا کہ غلاموں میں نے وہ دعا تمہارے لیے بچا کے رکھی ہوئی، یہاں فاقے کاٹ لے، تکلیفیں کاٹ لی، دکھ برداشت کر لیے، اذیتیں تکلیفیں کیا کچھ نہیں تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت نہیں کیا، لیکن وہ شفاعت کے لیے حضور قیامت کے دن بازو رحمت کھولیں گے تو پھر گناہگاروں کی نجات کی ضمانت ہوگی۔ تو حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے صلاۃ کا، جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے نزول رحمت، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پر مزید رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جس سے حضور کے درجے بلند ہوتے ہیں اور حضور کی عظمت میں اور اضافے ہوتے ہیں، اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو فرشتوں کی طرف نسبت بھی دعا کے معنی میں ہے، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس پیارے محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے، تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا؟ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی، یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی، درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا، علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ بھی وجوب کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے، اور نمایاں 40 مقامات علماء نے بیان کیے جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعض مقامات پہ درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے، جس طرح باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور جگہ اور جو ہے وہ احوال ایسے ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ باقی درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو، ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان تھکتا نہیں، اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاتن واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ ومن صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے،
इसलिए कि जिसने मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजल फरमाता। उलमा ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, वो कहते हैं कि असल दरूद पढ़ करके अपने लिए रहमतें तलब करना होता है रब से, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरूद के मोहताज। बंदा के मैं दरूद पढ़ रहा हूं, जब हम नहीं थे उस वक्त भी मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा जा रहा था, जब कायनात को खलते वजूद भी नहीं दिया गया था मुस्तफ़ा पे दरूद उस वक्त भी पढ़ा जा रहा था। तो ये हम अपनी सआदत मंदी हासिल करते हैं। उसकी मिसाल यह है कि जो मांगने वाले हैं वो दो तरह के होते हैं। सूरतुल फातिहा की तफसीर में मैंने मुख्तसर बात आपके सामने इस उनवान से रखी थी। एक वो है कि जो डायरेक्ट दरवाजे को दस्तक दे के साहब खाना से मांगते हैं, साहब खाना अपनी तौफीक के मुताबिक उसको दे ना दे उसकी मर्जी। और मांगने वालों का एक और तरीका होता है कि वो मांगते नहीं, किसी शख्स के दरवाजे पर खड़े होकर उसको दुआएं देने लगते हैं, तेरे बच्चों की खैर, तेरे वालदैन की खैर, जहां दादे पर दादे से शुरू होते हैं और नीचे नस्ल तक आते हैं। तो वो जब दुआएं मांग रहे होते हैं तेरे खानदान की, तेरी जद की खैर, तो घर वाला समझता है जो हमें दुआएं दे रहा है असल खुद खाली झोली लेकर आया है, ये कुछ मांगना चाहता है। तो कोई शख्स अल्लाह की बारगाह से मांगना चाहे, अल्लाह तो औलाद से पाक है, तो उसके महबूब की खैर मांगो। अल्लाह ताला एक बार खैर मांगोगे 10 रहमतें झोली में डाल दे। तो ये मांगने का एक मुहज्जब तरीका है जो अहले ईमान मांगते हैं। इसलिए अगर सारे वजीफे छोड़ के सिर्फ दरूद पढ़ा जाए तो ये कैसा अमल है। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला उनसे मरवी रिवायत अभी आ रही है, आप देखेंगे कि ये कितना बाबरकत वजीफा है जिसकी तालीम हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सुनिए जिसको इमाम तिबरानी ने अपनी मौजब में रिवायत किया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद पढ़ता है रब ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मियातन, और जो मेरे ऊपर 10 मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया मियातन कतब अल्लाह बैना ऐनैहि बरातम मिनन निफाक व बरातम मिनन नार, और जो शख्स मेरे ऊपर 100 मरतबा दरूद पढ़ता है उसकी दो आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है ये बंदा मुनाफिक भी नहीं है दोजखी भी नहीं है, ये ना मुनाफिक है और ना दोजखी है, निफाक से और दोजख से बरी लिख दिया जाता है। व असकनहुल्लाहु यौमल कयामा मा शुहदा, और अल्लाह ताला जल्ला शानहु कयामत के दिन जिस मरतबे पर शुहदा को ठहराएगा उसी मकाम पर दरूद पढ़ने वालों को ठहराएगा। ये सवाब है उस शख्स के लिए कि जो हुजूर पर कसरत के साथ दरूद पढ़ता है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत सुनिए, फरमाते हैं ये अशरा मुबशरा से हैं, जलीलुल कदर सहाबी हैं, और सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर सहाबी भी यही है, 144,000 सहाबा में सबसे अमीर तरीन सहाबी हजरत अब्दुल रहमान इबन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं कि खराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फत्तबातहु हत्ता दखला नखलन फसजदा फअताल सुजूद हत्ता खिफ्तु औ खशीतु अन यकून अल्लाह कद तवफ्फाहु औ कबज़हु। कहते हैं एक दिन हुजूर घर से बाहर तशरीफ फरमा हुए, मस्जिद नबवी से निकले, तो मैं भी हुजूर के पीछे पीछे चल पड़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम के तत्तबु में, हुजूर की इत्तबा में मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। हत्ता दाखला नखलन, यहां तक के खजूरों के एक बाग में हुजूर तशरीफ फरमा हो गए, मैं भी उस बाग में हुजूर के पीछे चला। मैंने क्या देखा, फसाजदा, हुजूर ने सजदा फरमाया, फअताल सुजूद, और सजदा इतना लंबा था, हत्ता खिफ्तु औ खशीतु अन यकून अल्लाह का तवफ्फा औ कबज़हु, मुझे डर लगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, कि हुजूर ने सरे अनवर रखा सजदे में फिर उठा ही नहीं रहे थे, तो मैं डरा इस बात से कि कहीं हुजूर का विसाल ना हो गया हो, हुजूर अलैहिस्सलाम इस दारे फानी से कूच ना कर गए हों। तो कहते हैं कि काला फजे तो अनजोरो फराफा रास हो, मैं देख ही रहा था कि अचानक हुजूर ने सरे अनवर उठा लिया।
फकाला मालका या अब्दुर्रहमान, तो मेरा रंग उड़ा हुआ था, मेरी तबीयत के ऊपर एक अजीब कैफियत थी। हुजूर ने सर उठाया और मुझे उस हालत में देखा, कहा कि ए अब्दुर्रहमान तुझे क्या हो गया? मैंने कहा फजकर तो जालिका लहू, जो मुझे हुआ था मैंने वो बता दिया। मैं तो डर गया था, चूंकि सहाबा की जिंदगी ही तो हुजूर के नाम से थी और आका करीम की जिंदगी के साथ और हुजूर की हयात के साथ ही तो वो जीते थे बल्कि उड़ते थे। और सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन के लिए सबसे मुश्किल वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त था, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। आपने पढ़ा होगा सीर में, उलमा से सुना होगा, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली थी हुजूर के विसाल पर। कोई कहे तो सही हुजूर का विसाल हो गया, मैं गर्दन काट दूंगा। रोते थे, अजीब कैफियत थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ आगे किया लेकिन हजरत उमर जो है वो उनकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हजरत बिलाल चीखे मारते थे, अजीब हालत थी। हजरत सैयदा फातिमा कहती थी सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलैया में सिर ना ले आ लिया। लोगों मेरे ऊपर जो मुसीबतें टूट पड़ी हैं अगर वो चिट्टे दिनों पे पड़ती तो वो भी काली रातें बन जाते। इतनी मुसीबतें आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल पर ये सहाबा की कैफियत। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अपने बाप को पानी दे रहे थे। हजरत इमाम ज़ुरकानी ने लिखा है उनके बेटे ने जाके कहा कि अब्बा जी को बात सुनी है। उन्होंने कहा बताओ बेटे क्या हुआ है? कहा हुजूर का विसाल हो गया। तो हजरत ज़ैद ने यूं हाथ उठाए और सुनो उन्होंने क्या कहा, अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हत्ता ला अरा बादा हबीबी मुहम्मदिन आहदा। अल्लाह मुझे अंधा कर दे, मुझे नाबीना कर दे, आंखों के चराग रोशन इसलिए थे कि तेरे रसूल को देखता था। अब हुजूर अगर इस दुनिया से चले गए तो मैंने आंखों की चराग क्या करने? तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और वो फौरन नाबीना हो गए। किसी ने बाद में उनके पास जाकर अफसोस किया कि तुम्हारी आंखों की बेनाई जाती नहीं है, बड़ा अफसोस हुआ है। वो फरमाने लगे तुम्हें हुआ होगा, मुझे तो कोई नहीं हुआ, मैं तो हुजूर के बगैर किसी को देखना ही नहीं चाहता। और आला हज़रत फरमाते हैं कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, जिसने आपको देखा फिर वो किसी को जो है वो और क्यों देखे। तो ये सहाबा की कैफियत थी। बल्कि गदाबा नामी ऊंटनी जिसमें हुजूर सवारी किया करते थे, कुतुब में आता है, सही रिवायात है, वो हजरत फातिमा तो जहरा की दहलीज पर सर रख के रोया करती थी। और वो याफूर नामी दराज गोश जिस पे हुजूर सवारी किया करते थे, जिसको हम अपनी जुबान में गदा कह लेते हैं लेकिन निस्बत रसूल से होगी तो फिर उसको दराज गोश कहेंगे, तो वो कबीला बनू सुलेम के कुएं में छलांग लगा के मर गया कि जब हुजूर चले गए हैं तो हमने जी के क्या लेना। ये कैफियत जानवरों की थी। अल्लाह अकबर। तो हुजूर की जुदाई का सदमा कौन बर्दाश्त करे? आपने सुना नहीं कि उसने हन्नाना हुजूर के फिराक में कैसे तड़प तड़प के रोता था? सिहा में रिवायत है, लगता था जिसका फट जाएगा। और आका करीम मिंबर से नीचे उतरे और आका ने उसको दोनों हाथों में लिया, फिर तसल्ली दी और ऐसे लगा जिस तरह के बिछड़ा हुआ बच्चा माँ की गोद में आ जाए तो उसकी गिग्गी बन जाती है। ये कैफियत हुई। फिर हुजूर मिंबर पे जलवा फेराज हुए और सहाबा से मुखातिब होकर कहा लौलम अफल हाकाजा लहन्ना इला यौमिल कयामा, अगर मैं अपने आश के जार को मिंबर से उतर के यूं तसल्ली ना देता तो ये लकड़ी का सुतून क्यामत तक रोता ही रहता। अल्लाह अकबर। ये है हुजूर के प्यार की कैफियत। उनके लिए मुश्किल मरहला था। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने जो मेरे पे बीती थी ना, जो मेरी हालत हुई थी, मैंने साफ साफ अर्ज की हुजूर मैं तो बहुत परेशान हुआ था। तो हुजूर ने फरमाया फकाला इन्ना जिब्राइल अलैहि सलाम काला ली, सुनो कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे आके कहा अला उबशरो का अन्न अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यकूलो, कि हुजूर मैं आपको बशारत ना दूं कि रब क्या कहता है। वो ये कहता है मन सल्ला अलैका सल्लैतु अलैह व मन सल्लम अलैका सल्लमतु अलैह। जरा देखिए लफ्ज, हुजूर फरमाते हैं मैं क्यों सजदे में गया था, सुनो ए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ वाकया क्या हुआ, मैं इतना लंबा सजदा क्यों किया। कहा मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने मुझे रब का संदेशा दिया, पैगाम दिया कि महबूब आपका रब कहता है कि आपका जो उम्मती आप पे दरूद पड़ेगा मैं रब होके उस पे दरूद पढ़ूंगा और जो आपका उम्मती आपको सलाम कहेगा मैं रब होके उसको सलाम करूंगा। तो हुजूर फरमाते हैं फसजद तो लिल्लाहे शुक्रा, तो फिर मैं सजदा ना करता, फिर मैं शुक्र का सजदा ना करता और मेरा सजदा लंबा ना होता कि इतना कर्म हुआ कि मेरा अगर गुलाम मुझ पर दरूद भेजे तो रब उस पर दरूद भेजता है।
अल्लाह अकबर। ये करम नवाजियाँ उस शख्स पर कि जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। आइए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत सुनते हैं। कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी ये है, वो धरती पर घूमते हैं, पूरी दुनिया पर चक्कर लगाते हैं और करते क्या हैं, जहां जहां भी कोई शख्स मेरे ऊपर सलाम भेजे तो वो उस उम्मती का सलाम मेरे तक पहुंचाते हैं कि हुजूर आपके फला उम्मती ने आप तक जो है वो सलाम भेजा है। और दूसरी रिवायत हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप हजरत अली अल मुर्तजा से रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हैसो मा कुंतुम फसल्लू अलैया फइन्ना सलातकुम तबलुगुनी। फरमाया अली, जहां भी रहो मेरे ऊपर सलाम पढ़ा करो, तुम्हारा सलाम मुझे पहुंचता है, जहां भी रहो मेरे ऊपर सलाम पढ़ने को अमल को ना छोड़ना। कयामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा कुर्बत किस शख्स को नसीब होगी, तो वो रिवायत है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि हुजूर ने फरमाया, इन औलन नास बी यौमल कयामा अक्सरहुम अलैया सलातन। कयामत के दिन मेरा सबसे ज्यादा करीबी शख्स वो होगा कि जो मेरे ऊपर कसरत के साथ दरूद पड़ा करता है। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु की वही रिवायत जो मैंने जिसका इशारा दिया, रिवायत करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हबा रुबुल लैल कामा फकाल या युहन्नास उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह जाअतिर राजिफा तत्बउर रादिफा जाअल मौत बिमाफीह जाअल मौत बिमाफीह। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब रात का चौथाई हिस्सा बाकी रह गया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को बेदार किया, लोगों को जगाया, क्या उठो अल्लाह का जिक्र करो, कयामत आने वाली है, मौत आने वाली है। हुजूर ने सहाबा को बेदार किया। काला उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ये जलीलुल कदर से आबी और हुजूर अलैहिस्सलाम इनसे कुरान सुना करते थे। बल्कि एक दिन हुजूर गुजर रहे थे, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत कर रहे थे, हुजूर रुक के सुनने लगे। अगले दिन मुलाकात हुई तो फरमाया, उबई मैं गुजर रहा था, तू तिलावत कर रहा था और मैं सुनता रहा। तो हजरत उबई ने कहा, हुजूर अगर मुझे पता चल जाता ना कि आप सुन रहे हैं तो मैं और सवार सवार के पढ़ता। मुहद्दिसीन शारहीन लिखते हैं, किसी के दिखलावे के लिए कुरान सवार के पढ़ना रियाकारी है, लेकिन अगर हुजूर के दिखलावे के लिए पढ़ा जाए ये रियाकारी नहीं है, ये ऐन दीन है। तो हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुजूर की खिदमत में अर्ज की, फकुल तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर बहुत ज्यादा दुरूशरी पढ़ता हूं, फकम अज अलका मिन सलाती, तो मुझे बता दें कि मैं आप पे कितना वक्त दरूद पढ़ा करूं। काला माशेता, कहा जितना तू पढ़ सकता है, जितना तेरे पास वक्त है, जितनी तेरी मर्जी है, मैं कोई मुकर्रर नहीं करता। काला कुल तो मैंने कहा, अरुबा मैं चौथा हिस्सा दरूद पढ़ा करूंगा, बाकी तीन हिस्से बाकी वजीफे कर लिया करूंगा। काला माशेता, हुजूर ने फरमाया तेरी मर्जी, वइन ज़िदता फहुवा खैरुल्लाह का, लेकिन अगर दरूद ज्यादा पड़े ना तो तेरे लिए होगा बेहतर। वैसे तू अगर चौथा हिस्सा पढ़े, बाकी तीन हिस्से बाकी वजीफे पढ़ ले, लेकिन अगर ऐसा करे तो तेरे लिए बेहतर होगा, ज्यादा अगर पढ़ ले। काला कहते हैं, फकुल तो मैंने कहा, फसुलसैन मैं दो तिहाई पढ़ लिया करूंगा। काला माशेता, फरमाया जिस तरह तेरी मर्जी, फाइन जिद्दा फौवा खैरुल्लाह का, लेकिन अगर तू दरूद को ज्यादा कर ले तो ये तेरे लिए बेहतर होगा। कुल तो अनिस्फ, मैंने अर्ज की, हुजूर मैं आधा वक्त दरूद पढ़ लिया करूंगा, बाकी आधा वक्त दीगर वज़ाइफ़ पढ़ लिया करूंगा। कुल तो जब मैंने ये बात कही तो हुजूर ने फरमाया, माशेता जो तेरी मर्जी, जो तेरे दिल में आए, व इन जिद्दा फौवा खैरुल्लाह का, लेकिन अगर तू दरूद को और ज्यादा कर दे तो तेरे लिए है बेहतर। कहते हैं कि मैंने अर्ज की, आज अलो लका सलाती कुल्लाहा, हुजूर फिर मैं सारा वक्त दरूद ही पढ़ लिया करूंगा, मैं सारा वक्त दरूद ही पढ़ लिया करूंगा। तो आका करीम ने फरमाया, फिर तुझे दुनिया की तकलीफें भी नहीं पहुंचेंगी और आखिरत में भी तुझे निजात मिल जाएगी। क्योंकि इंसान वजीफा दो मकासद के लिए करता है,
मेरे दुनिया के मामला ठीक हो जाए कुछ वज़ायफ़ इसलिए पड़ता है, या फिर मेरी आखिर ठीक हो जाए इसलिए वज़ायफ़ पड़ता है। दो ही गर्जें होती हैं वज़ायफ़ पढ़ने से। लेकिन हुजूर ने फरमाया अगर तू सारा वक्त दुरूद पढ़ता रहे तो फिर तेरी दुनिया भी ठीक हो जाएगी, तेरी आखिरत भी ठीक हो जाएगी, तेरे सारे मामले ठीक हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलाम का ये एक और फरमान सुनिए जिसको हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया फी यौमिन अल्फ मर्रा लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहू मिनल जन्ना, जो एक दिन में 1000 मरतबा मेरे ऊपर दुरूद पड़े वो उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेता। ये अल्लाह ताला उसको खास नूर नसीब फरमाएगा। और आइए सुनिए हुजूर अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, इमाम इब्ने माजा ने अपनी सनद से इसको रिवायत किया है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरु अलैया मिन सलात कुल यौम जुमुआ फइन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका। हुजूर ने फरमाया कि हर जुमे के दिन मेरे ऊपर कसरत के साथ दरूद पढ़ा करो, क्योंकि ये यौम मशहूद है, इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं, तो जुमे के दिन कसरत के साथ बाकी दिनों की निस्बत मेरे ऊपर दरूद पढ़ा करो। तो वइन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफ़रुग़ मिन्हा, इसलिए कि तुम में से जो कोई मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है जब तक फारिग नहीं हो जाता उसका दरूद जो है वो मेरे ऊपर पहुंचा दिया जाता है। काला तो हजरत अबू दर्दा कहते हैं कुल तो मैंने कहा वह बादल मौत, हुजूर जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो क्या उसके बाद भी ये वजीफा और ये अमल जारी रखें। हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है ये वजाहत हुजूर से पूछी, और ये भी बड़े जलील कदर से आबी हैं, बल्कि सहाबा में से इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार से आबी हैं। बल्कि हजरत अबू दर्दा के बारे में आता है कि फजर की नमाज पढ़ के जल्दी चले जाते थे। एक दिन हुजूर ने रोक करके कहा अबू दर्दा काहे की जल्दी होती है कि रुकते भी नहीं बहुत जल्दी चले जाते हो। अरस की हुजूर मेरे हमसायों के घर में खजूर का एक लंबा दरख्त है और आजकल मदीने में खजूरों के पकने का मौसम है और सहरी के वक्त ठंडी हवाएं मदीने को सलामी देने आती हैं, और मैं इसलिए जल्दी जल्दी चला जाता हूं कि वो जो खजूरें झड़ के मेरे वेड़े में गिर जाती हैं बच्चों के उठने से कबल कबल हमसाये के घर में फेंक दूं कहीं मेरा बच्चा कोई ना खा ले, और हमारी सड़क से गन्ने की ट्राली गुजर के तो देखे। ये देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी का अमल और उनकी जिंदगी के मामूलात। ये है हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला को। कहते हैं मैंने हुजूर से कहा हुजूर जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या फिर भी दरूद आपको भेजे और फिर भी आप पर पहुंचता रहेगा? तो सुनो हुजूर ने क्या कहा। हुजूर ने फरमाया इन अल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने मट्टी पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी कब्रों में जिंदा होते हैं और उनको रिज्क भी दिया जाता। हजरत इब्ने माजा ने ये रिवायत बे असनादिन जय्यदिन अच्छी सनद के साथ इसको रिवायत किया है। बल्कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला जल्ला शानहु मेरी रूह मेरे बदन में लुटा देता है हत्ता के मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। वो क्या किसी ने कहा, शेर तो सादा सा है लेकिन इस हदीस का तर्जुमा है, वो किसी शायर ने कहा था कि दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। अगर कोई शख्स हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करे तो उसका जवाब मिलता है, और अहले हक हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस सलाम को महसूस करते हैं। हजरत इमाम मालिक ने यह बात कही कि अगर कोई शख्स हुजूर के रोजे पे जाए, बाकी आइमा कहते हैं कि वो कहे कि मैं हुजूर के रोजे की ज्यारत करके आया हूं, लेकिन इमाम मालिक कहते हैं कि ये ना कहे मैं हुजूर के रोजे की ज्यारत करके आया हूं, बल्कि ये कहे मैं हुजूर की ज्यारत करके आया हूं। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम को जिसने हुजूर के रोजे को देखा, हुजूर ने फरमाया वो ऐसे ही है जिसने मेरी जिंदगी में उसने मुझे देखा। हजरत शेख
سید احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، ساری زندگی حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا، اور حضور علیہ السلام کی طرف سے جو باطن میں جواب آتا رہا اس کو موصول کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے توفیق دی، پھر دیار نور میں حاضر ہوئے۔ 555 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اس کو تمام مکاتیب فکر کے لوگوں نے سوائے ایک مکتبہ فکر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تبلیغی جماعت والوں نے اپنے شیخ الحدیث زکریا سہارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے، درجنوں تذکرہ نگاروں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اور اس کی صحت پر اہل علم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 555 ہجری کی بات ہے کہ وہ حضور کے روزے پہ بنفس نفیس حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، چونکہ سید تھے، حضور کی اولاد تھی، کہا کہ حضور ساری زندگی میری روح سلام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور آپ کا روحانی جواب وصول کرتی تھی، آج آپ کا بیٹا بنفس نفیس خود حاضر ہو گیا، آج میں روحانی جواب نہیں لوں گا، اور حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ادب سے سلام پیش کیا۔ پھر کیا ہوا، 70,000 لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے جنہوں نے دیکھا حضور نے دست انور روزہ انور سے باہر نکال دیا، اور حضرت شیخ سید رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے دست کرم کا بوسہ لیا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتفاق سے اس دن میں بھی موجود تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام رفائی کے صدقے سے حضور کے دست اقدس کی زیارت میں نے بھی کر لی۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کا شفقت فرمانا ہے ان لوگوں پر جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا معمول بنایا ہے، یہ موضوع اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، ان پر بڑے بڑے کرم ہوئے۔ آج کا جو عنوان ہے صلوا علیہ وآلہ، یہ شیخ سعدی کی مارکۃ الآرا ایک رباعی کا آخری مصرع ہے، اور متواتر صدری روایات کے مطابق حضرت شیخ سعدی شیرازی، کیونکہ بہت بڑے شاعر تھے اور قادر الکلام شاعر تھے، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کی گلستہ اور بوستہ اور کریمہ آج بھی اسی طرح مقبول ہے جس طرح صدیوں قبل تھی۔ ورنہ کسی زمانے میں فردوسی کا شاہ نامہ پڑھا جاتا تھا، لیکن آج دنیا کو اور نئی نسل کو فردوسی کے شاہ نامے کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی فارسی مذاق رکھنے والا ہو وہ شیخ سعدی سے ناآشنا نہیں ہو سکتا۔ ان کو جو مقبولیت تامہ ملی ہے، ایسے قادر الکلام شاعر کہ جس عنوان پر بھی آتے حد کرتے چلے جاتے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی اگر حضور کی مدہ میں قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے، کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم، زبان تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء، اگر لکھتے ہیں تو حد کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھنا شروع کیا، اور کیا لکھتے ہیں، بلغ الاولا بکماله، اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچے، کاشفت دو جا بے جمال ہی، اور آپ کے چراغ حسن نے اندھیروں کو دور کر دیا، حسنت جمیع و خصال ہی، اور آپ کی ساری خوبیاں با کمال ہیں۔ رباعی کو رباعی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چار اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، اب تین اشعار کے اندر بھی جو ہے وہ مضمون تھا وہ مکمل ہو گیا، اور انسان جب مضمون کو مکمل کر لے تو اس وقت پھر نیا جملہ لانا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ آگے لکھے تو کیا لکھے، مضمون تو مکمل ہو گیا۔ اب یہاں کیا تھا، بلغ الاولا بکماله کشفت تو جا بجماله حسنت جمیعو، اگر اس کا معنی ذہن میں ملحوظ رکھیں تو آگے جو چوتھا جملہ ہے اس پہ آپ کو لطف آئے گا، بلغ الاولا بکماله، وہ اپنے کمال سے، اپنی طاقت پرواز سے، اپنی قوتوں سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے وہاں تک پہنچے جہاں تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، کاشفت دو جا بے جمالے، ان کے جمال نے کائنات میں اجالے پھیلا دیے، روشنیاں کر دی، اندھیرے چھٹ گئے، پھر آخر میں حسنت جمیع و خصالے، کیا بتائیں ان کی ہر خوبی ہر خوب و خصلت بھی اچھی ہے۔ اب بات تو مکمل ہو گئی، لیکن رباعی چاہتے تھے
शेख साथी परेशान है, इसी परेशानी में नींद आ गई, सोए तो हुजूर का दीदार हुआ। फरमाया सादी आगे कहते क्यों नहीं हो, सल्लू अलैहि वाले, सल्लू अलैहि वाले। और बनता ही ये है, मैं असल खुद भी शायरी से ताल्लुक रखता हूं, किसी जमाने में कुछ लिखा भी है, लेकिन यहां थोड़ा सा मैं आपको अपने साथ इसलिए सफर करवा रहा हूं कि आप इकबाल के देश के वासी हैं, इसलिए आपसे ऐसी बातें मैं कर लेता हूं, वरना बाज़ का ये ऐसी बातें नहीं छेड़ती, ये मुश्किल होती हैं, लेकिन आप लोगों के खमीर और मिजाज के अंदर जो है ये लज्जत और ये चाशनी मौजूद है। अब जरा तवज्जो कीजिए, बलागल औलाब कमाल ही, वो बुलंदियों पर पहुंच गए, कशफत तो जाब जमाल ही, अपने जमाल से अंधेरे छटा दिए, दूर कर दिए, हसनत जमीयो खिसाल ही, क्या बताएं उनकी हर खूबी ही बा कमाल है। तो जब हर खूबी बा कमाल है तो फिर जी नहीं चाहता कि पढ़ो सल्लु अलैहि वाले, यानी फिर दिल उछलता है, रूह पुकारती है, जो इतनी खूबियों का मंबा मस्तर है, इतने कमालात का जामे है, जिसके दम से अंधेरे छट गए, जिसके दम से कायनात में उजाले फैल गए, तो फिर क्यों जी नहीं चाहता कि उस नबी पर दरूद पढ़ा जाए, सल्लू अलैहि व आलिहि। आओ उस नबी पे दरूद पढ़ो, उस नबी पे सलाम पढ़ो, उस नबी पे भी दरूद पढ़ो, उसकी आल पे भी दरूद पढ़ो। बाला गल ओला बे कमाल ही, कशफत दो जा बे जमाल ही, हसनत जमीयो खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि। मैं दुरूद शरीफ के उन्वान से अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं और इमाम बोसीरी का जिक्र ना करूं तो ये नाइंसाफी होगी। हजरत इमाम बोसीरी फालिज जदा हैं, सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे हैं, सारी जिंदगी बादशाहों की कहानियां बयान की हैं, उनसे एजाजात पाए हैं, तकरीमात पाई हैं, लेकिन उम्र का आखिरी हिस्सा आया, जिस्म फालिज जदा हो गया, सारे छोड़ गए, तन्हाई बीमारी और गुर्बत, ये तीन चीजें अगर इकट्ठी हो जाएं तो इनको काटना बड़ी क्यामत होती है। तन्हाई, गुर्बत और बीमारी, ये तीनों इकट्ठी आ गई हजरत इमाम बोसीरी पे। सेहतमंद के सारे गाहक होते हैं, बीमार पड़ गए तो कोई पूछता ही नहीं है। एक दिन ख्याल आया, सारी जिंदगी शहनशाहों के कसीदे लिखे, आज उसका कसीदा ना लिखूं जो कायनात का दूल्हा है। अल्लाह अकबर, कलम पकड़ा, फिर हुजूर का कसीदा लिखा। यह कसीदा बुर्दा शरीफ मुकम्मल किया। रात हुई, हजरत इमाम बुसीरी सोए, आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और ये बात जहन में रखें, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम फकद रानी फइन शैताना ला यतमस्सलु बी। ये इब्ने माजा में छह तुरक से रिवायत मरवी है, वैसे बुखारी दीगर किताबों में भी है, लेकिन इब्ने माजा हुजम के इतबार से छोटी किताब है, उसमें भी छह मरतबा ये रिवायत है, बाकियों में तो बहुत मरतबा ये रिवायत आई है। इब्ने माजा में छह तुरक से ये रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, शैतान ख्वाब में आकर भी मेरी मिसल होने का दावा नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को देखा, और जिसने हुजूर को देखा हुजूर उसके ख्वाब में कसद इरादे और मर्जी से आए। मैं किसी के ख्वाब में जाऊं, आप किसी के ख्वाब में आए, ना आपको पता होता है ना मुझे पता होता, मजलिस सजी है, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, उठ के आप चले जाएंगे, जाके सो जाएं, मैं ख्वाब में दोबारा गुफ्तगू करता हुआ पाया जाऊं, मुझे आप उठ के फोन करें, जनाब आज ख्वाब में आए थे, तो मुझे तो नहीं पता होगा, या आपको मैं देख लूं दोबारा तो आपको इल्म नहीं होगा, लेकिन हुजूर जिसके ख्वाब में जाएं कसद इरादे और मर्जी से जाते हैं। तीसरी बात, ख्वाब में किसी को कुछ कोई दे तो वो महज ख्वाब होता है। लॉटरी निकल आई, करोड़पति बन गया, सुबह उठेंगे तो करोड़पति होंगे या कंगाल होंगे, वो क्या किसी ने कहा था, सौ बार मेरे हाथों में तेरा दामन आया, जब आंख खुली तो अपना ही घेरे बांध। कुछ नहीं होता, ख्वाब ख्वाब होता है, लेकिन हुजूर को अगर कोई ख्वाब में देखे और हुजूर कुछ अनायत करें तो वो महज ख्वाब नहीं होता। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे दहलवी फरमाते हैं, मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम ने ख्वाब में उन्होंने हुजूर को देखा, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दो मुए मुबारक उनको अता किए। कहते हैं जब उठे तो देखा कि मुए मुबारक नहीं थे, तो फिर उनकी कैफियत वही हो गई और फिर हुजूर ख्वाब में मिले, फरमाया कि हमने तेरे सराहने के नीचे रख दिए। तो कहते हैं कि वो दो बाल, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे दहलवी फरमाते हैं, उनकी अलामत यह थी कि वो संदूक में हम रखते थे, जब उसको धूप में लेकर निकलते बदली साया किया करते थे।
और फरमाते हैं कि जब विरासत तकसीम हुई तो एक बाल मेरे हिस्से में आया, हुजूर का मुंह अनवर, हुजूर का मुंह मुबारक। तो जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा, हुजूर को ही देखा, हुजूर कष्ट से आए, जो दिया हकीकत में दिया। और चौथी बात, वो बुखारी की रिवायत है, हुजूर मैं मन रानी फिल मनाम फसा यरानी फिल यक्ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा न करीब जागते भी देख लेगा। शारहीन लिखते हैं सारी जिंदगी ना देख सका, जब रूह निकल रही होगी रुखे महबूब सामने होगा। और अगर उस वक्त हुजूर का दीदार हो जाए तो और चाहिए भी क्या, सौखा निकले सा जहूरी जे वेख लवा मुख तेरा। अगर उस वक्त हुजूर का दीदार हो जाए तो और क्या चाहिए। तो हजरत इमाम बोसीरी कहते हैं कि मैं सोया मुकद्दर जागा, हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया बोसीरी जो कसीदा लिखा है वो सुनाओ तो सही। तो उन्होंने वो मशहूर कसीदा मौला यसल्ले वसल्लम दाएमन आबादा, वो कसीदा हुजूर की खिदमत में पेश किया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्त शिफा उनके बदन पे फेरा और हुजूर ने अपनी चादर उतार करके हजरत इमाम बोसीरी को दे दी। बुरता अरबी में कहते हैं जो है वो चादर को, इसीलिए इस कसीदे को कसीदा बुरता कहते हैं, वो कसीदा जिसकी जजा में चादर अनायत हुई थी। हजरत इमाम बोसीरी जब उठे तो बिल्कुल ठीक थे, चादर ओढ़ी और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक दरवेश खड़ा था, कहा बुशीरी रात वाला कसीदा तो सुनाओ जो तुमने लिखा है। हजरत बुशीरी कहते हैं मैंने लिखा था और किसी को पता नहीं था। मैंने कहा कौन सा कसीदा? कहने लगे भोले ना बनो जो हुजूर को सुनाया था। कहने लगे कि मैंने कहा कि तुझे कैसे पता है? कहा बताऊं ये चादर कौन सी है? अल्लाह अकबर। तो इमाम बुशीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर ये दरूद लिखा मौला यसल्ले वसल्लम दाएमन आबादा और ये जजा पाई। हजरत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ये 708 हिजरी में पैदा हुए थे। कहते हैं कि मैं एक दिन किसी बस्ती से गुजर रहा था और वहां एक कुआं था, उसका पानी थोड़ा सा नीचे था और मेरे पास कोई चीज नहीं थी जिससे मैं डोल डाल करके वो पानी निकाल सकूं। मैं मुतहय्यर खड़ा था, साथ ही एक शिकस्ता सा कच्चा सा मकान था, उस मकान के ऊपर एक छोटी उम्र की लड़की खड़ी थी। मुझे कहने लगी कि आप परेशान हैं? मैंने कहा हाँ बेटे, मुझे परेशानी यह है कि मैंने वजू करना और नमाज पढ़नी है और वक्त जा रहा है और ये पानी बहुत नीचे है, अगर तुम कुछ मेरी मदद कर सकती हो तो जरूर करो। वो छत से नीचे आई और उसने आके अपना लुआब उस कुएं में फेंका। हजरत शेख सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैंने देखा कि यकायक कुएं का पानी उछल के किनारों तक आ गया और बहने लगा। मैंने जल्दी से वजू किया और फिर मैंने उस लड़की को कहा मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, तू मुझे बता कि तू तेरे पास है क्या कि तेरे लब के डालने से यह पानी उछल के ऊपर आ गया। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि ये जो मर्तबा मुझे मिला है बेकसरत सलाते अला मन काना इजा मशाफिल बर्रे ताल्लकत वहूश बेअज़ियालिही, ये मर्तबा मैं उस पर दरूद पढ़ के हासिल किया है जब वो जंगल से गुजरते थे तो जो जानवर थे कदमों से लिपट जाते थे, मैं उन पर दरूद पढ़ने की बरकत से जो है वो ये मर्तबा हासिल किया है। तो हजरत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि फिर मैंने इरादा कर लिया कि मैं सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते हुए और दरूद लिखते हुए गुजारूंगा। फिर उन्होंने मशहूर जमाना किताब जिसको अहले इलम और अहले तसव्वुफ दलाइलुल खैरात के नाम से जानते हैं, जिसकी मुतअद्दिद शुरुआत पे लिखी गई, वो किताब उन्होंने तसनीफ की। और इस किताब की खसूसियत यह है कि जो शख्स इस किताब को बाकायदगी के साथ पढ़े उसको हुजूर का दीदार नसीब हो। और इस किताब को पढ़ने वाले, मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद पढ़े अल्लाह ताला उस दरूद की बरकत से उसे तो नवाजता है, उसकी औलाद को और उसकी औलाद की औलाद को यानी उसकी नस्लों को भी सवार देता है। तो हजरत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान ने यह किताब लिख करके दरूद की जमाने पर एहसान किया और आज तक बिलखसूस उलमाए रूम का अमल इसके ऊपर जो है वो कसरत के साथ है। लेकिन यहां भी जो है वो हमारे बड़े सगीर पाक को हिंद में भी दलाइलुल खैरात पर लोगों के बहुत ज्यादा अमल है। मेरे वालदे गिरामी अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए।
उन्होंने 37 साल तक बिला नागा दलाल खैरात का वजीफा किया है। और ये जो कुछ भी है वो क्या किसी ने कहा था, मैं जो कुछ भी हूं उनकी तवज्जो का रूप हूं, मेरी जिंदगी तेरे प्यार का इनाम ही तो है। तो ये सारा फैजान, ये दुरूस शरीफ का फैजान है जो दुरूस कुरान की सूरत में आप देख रहे हैं। हजरत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह का फिर इंतकाल हो गया और सूस नामी एक बस्ती के अंदर उनको दफन कर दिया गया। फिर उसके बाद 77 साल के बाद उनको वहां से मराकश मुंतकिल किया गया। और आपको जब दफन किया गया, और ये बात अखबार मशहूरा में से है कि आपकी कब्र की मट्टी से दरूद की बरकत की वजह से कस्तूरी जैसी खुशबू आया करती थी, और जब इतने तवील अरसे के बाद उनको कब्र से निकाला गया तो जब वो फौत हुए थे तो उन्होंने थोड़ी देर पहले हजामत बनाई थी, और जब लहद से उनको निकाला गया 77 बरस बाद तो ऐसे लगता था कि जिसका अभी खत करवाया है। और लोगों ने उनके जिस्म को उंगली लगा करके देखा तो जिसका एक जिंदा शख्स के जिस्म को उंगली लगाएं तो खून हट जाता है और जगह जर्द हो जाती है, तो ऐसे ही लोगों ने पाया कि जगह जर्द हो गई, फिर उंगली उठाई तो जो है वो फिर वहां दोबारा सुर्खी आने लगी। तो उस शख्स ने बताया कि ये देखो क्या है, तो फिर जो भी ज़ियारत करने आता वो उंगली लगा के देखता और इस तरह दबाता आपकी जिल्द को और वो जर्द हो जाती और फिर दोबारा खून आता, तो फिर उनकी ज़ियारत बंद कर दी गई और वहां सूस से उठा करके उनको मराकश के अंदर दफन किया गया। जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़े तो उसको हयात जाविदा मिल जाती है, और साहब दरूद नबी का कमाल और मर्तबा क्या होगा। तो फरमाया इन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। आओ हम हुजूर की बारगाह में पूरे अदब से हदिया दरूद पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या महबूब। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु।